सलारजंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में हैदराबाद सिटी पुलिस, जीएचएमसी, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से और यहाँ हमारे पुराने शहर के सभी बुजुर्ग, हमारे सीनियर उलेमा, सभी लोग मिलकर गुफ्तगु किए चर्चा के लिए। ईद उल अज़हा के लिए हमारी जो तैयारी हर साल के ऐसा इस बार भी हुई है, हर जगह हमारे सेक्टर एसआईज, ब्लू कोल्ड पेट्रोलिंग व्हीकल और जो बाकी जो गाड़ियां हैं उसकी मूवमेंट, साथ में सीसीटीवी कैमरा से हर जगह निगाह, सफाई की तैयारी जीएचएमसी के तरफ से, और एडिशनल जो फोर्सेस दूसरे जगह से आएंगे वो सब पब्लिक की सर्विस के लिए, पब्लिक के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एक सही तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तैयारी का हम लोगों ने डिस्कशन किया और सभी लोगों को बताया। ऐसे मौके पे सबसे बड़ी ताकत हमारी यही है, खास करके तेलंगाना स्टेट बनने के बाद हैदराबाद शहर और पूरा तेलंगाना स्टेट सभी स्टेट से आगे इन्वेस्टमेंट में, डेवलपमेंट में, विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों के आने में हम लोग अभी नंबर वन हैं। और इस नंबर वन होने का सबसे बड़ा सीक्रेट, सबसे बड़ा राज यही है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ सेफ्टी सिक्योरिटी बाकी सभी स्टेट, बाकी सभी शहरों से बेहतर माना जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ यूरोप और अमेरिका की सभी बड़ी बड़ी कंपनियां आकर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और वहां के कंपनियों के यहां आने से जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इससे जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो जनरेट हो रहा है, उसमें हैदराबाद के बच्चों को नौकरी मिल रही है और उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन हो रहा है। वेल्थ क्रिएशन से सेविंग्स भी बढ़ रही है और उससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होता है, जिससे कि बड़ी बड़ी जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो मिशन काकतिया हो, मिशन भगीरथ हो, नई सड़कें बनाना हो, स्कूल्स कॉलेजेस बनाना हो, गांव में हेल्थ सेंटर बनाना हो, ये सब उसी से हो रहा है। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारा राष्ट्र, हमारा तेलंगाना स्टेट का हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज है कि यहां सेफ्टी और सिक्योरिटी और बहुत अमन चैन का माहौल है। ऐसे में हमारे जो आज यहां बुजुर्ग लोग थे, उन लोगों ने भी यही बात कही कि हमारी ताकत यही है कि हम लोग हर कुछ मिलजुल कर करते हैं। और ऐसे मौके पे इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। अगर कहीं कोई किसी से गुस्ताखी हुई, कुछ गलत चीज किसी के नजर में आया, तो आप फौरन डायल 100 को फोन करें। डायल 100 से जुड़ा हुआ हैदराबाद शहर में हमारे पास किसी भी वक्त 120 व्हीकल्स, पेट्रोल कार्स मुस्तैद रहती है, तैयार रहती है। आप 10 मिनट के अंदर कहीं से कहीं भी आप फोन करें, हमारी गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। तो इसीलिए जो भी तरीका हो, चाहे वो एनिमल ट्रांसपोर्ट का हो या किसी चीज का हो, हम लोग सब हमारे बिल्कुल निगरानी में सब कुछ होगा और सही तरीके से होगा। ऐसे मौके पर खास करके पुराने शहर के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकालकर आज यहां सलारजंग म्यूजियम में आकर हम लोगों की हौसला अफजाई की। आपके आने से हमारी ताकत बढ़ती है और हम लोग मिलकर हर फेस्टिवल को जैसे हम लोग सेलिब्रेट करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले बोनालू का फेस्टिवल हुआ और बोनालू में इस बार जब अकन्ना मदना टेम्पल के पास एक कर्नाटक से नया हाथी आया और हमने जब पूछा महावत से कि भाई आपका नाम क्या है, उसने बताया नजीर। तो हमारा यही स्पिरिट है, चाहे वो कोई फेस्टिवल हो, हर फेस्टिवल हमारे देश का है। कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है कि ये हिंदू का है, ये मुस्लिम का है, ये सब हिंदुस्तान का फेस्टिवल है और हम लोग सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू।